वो ऐसा चीज है जिसके ऊपर सबका डाउट आए, प्रॉफिट टेस्टिंग के ऊपर। बाकी सब अपना वीडियो ऑन कर लो, जिनका वीडियो ऑन नहीं है कैमरा ऑन कर लो अपना। सो बेसिकली वी विल स्टार्ट विथ प्रॉफिट टेस्टिंग फर्स्ट। बोलना क्यों पड़ता है तुम लोग, मतलब वीडियो कॉल हम लोग करते क्यों हैं इससे, ताकि सबका फेस दिख पाए, राइट? तो वो उससे स्टार्ट करेंगे, एंड फिर तुम लोग जो भी तुम लोग का कॉमन डाउट्स है, लाइक तुम लोग का जो डाउट्स बोल के सीरियस वाला डाउट है, ऐसे लेम डाउट्स नहीं, वो ग्रुप में भेजना, एंड फिर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ट्राई करेंगे आज 1 आवर 1.5 आवर्स का सेशन रखने का। सो वील अभी ऑलरेडी 7:40 हो चुका है, सो वील ट्राई टू टेक इट टिल 8:40 8:50। एंड देन व्हाट वी कैन डू इज 10th को एक वेबिनार है विच आई एम अटेंडिंग, तो उसके बाद वी कैन अगेन टेक वन मोर क्लास लाइक दिस, ठीक है? सो फर्स्ट लेट मी स्टार्ट विथ भावना। एक काम करो, वो जो सम था ना, वो एक बार ग्रुप में भेज दो, प्रॉफिट टेस्टिंग वाला जो मैंने तुमको बोला था भेजने। सो वील लुक एट वन, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे ऑब्वियसली अभी बैठ के हम लोग। तुम लोग आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी 50 लोग हैं, तो पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी क्लास में इतने सारे लोग आए हैं। क्यों आए हो? जो अभी तक आ रहे थे खाली उनको आने मिलेगा, नए लोग क्यों आ गए, कहाँ से आ गए इतने सारे लोग? तो सब मतलब मानव, भावना, इन लोग तो फर्स्ट टाइम दिख रहे हैं मेरे को क्लास में। तो हम ठीक कंप्लेन करने का आदत है, कभी जाएगा नहीं आपका। अभी हर चीज इस में दिक्कत क्लास है। में कोई अपना अनम्यूट नहीं करेगा बिना मेरे से परमिशन लिए, ठीक है? तो क्योंकि काफी सारे लोग हैं यहाँ पे, एंड ये वीडियो बहुत अच्छे से मुझे रिकॉर्ड करना है। कैन वी यूज इक्वेशन एडिटर? आई थिंक ऑलरेडी वी हैव हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशंस ऑन दिस। अब मुझे ये क्वेश्चन सुन के ही रोना आ जाता है, बस तो मत पूछा करो। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉफिट टेस्टिंग का, ठीक है? प्रॉफिट टेस्टिंग में मुझे एक चीज यहाँ पे बताना है, सो लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन। रिसेंटली एक अपडेट आया है फ्रॉम IFOA दैट यू कांट कॉपी पेस्ट एवरीथिंग फ्रॉम योर, यू कांट कॉपी पेस्ट योर फंक्शंस फ्रॉम, यू कैन कॉपी पेस्ट योर, कोई एक बार उसको भेजे, या सो इट इज सेइंग दैट कैंडिडेट्स मस्ट टाइप ऑल द वर्किंग्स एंड आंसर्स इन वर्ड डॉक्यूमेंट, कैलकुलेशन पेस्टेड इन फ्रॉम अनदर एप्लीकेशन विल गिव अ, विल रिसीव अ 0 मार्क्स। तो ये कोई नया अपडेट नहीं है, आई थिंक मैंने डे वन से ये बोला है कि एक्सेल से इफ यू आर कॉपी पेस्टिंग, यू कैन कॉपी पेस्ट द टेबल बट यू कैनॉट कॉपी पेस्ट द फंक्शन। तो अगर हम एक्सेल में कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं प्रॉफिट टेस्टिंग का प्रॉपर, एंड उसको जब हम वर्ड में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो उसको जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो फंक्शन नहीं आएगा ना, खाली वैल्यूज आएंगे। तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर कैसे आए? सो यू नीड टू फॉलो सर्टन स्टेप्स, जैसे एग्जामिनर्स रिपोर्ट में थे। कौन है जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं? सो बेसिकली ये चीज मैंने बोल दिया है ऑलरेडी कि हाँ एक्सेल आप यूज कर सकते हो, बट ओनली फॉर मेकिंग द टेबल। मेक श्योर जो आप फंक्शंस कॉपी पेस्ट कर रहे हो उस पे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा अनलेस यू डू ऑल द वर्किंग्स। इट मस्ट कंटेन द वर्किंग्स। इनका बोलने का ये मतलब है, इसको बहुत अच्छे से समझो, इनका बोलने का ये मतलब है कि जो हम एक्सेल में प्रॉफिट टेस्टिंग बनाते हैं CM2B में, हम लोग क्या करते हैं, हर कॉलम में कैलकुलेशंस करते हैं। वो कैलकुलेशंस आपके वर्ड में नहीं आएगा, खाली वैल्यूज आएंगे। तो अगर आपको लगेगा खाली वैल्यूज के लिए आपको मार्क्स मिलेगा, वो नहीं है, आपका पूरा मार्क्स डिडक्ट होगा। आपको नीचे में वर्किंग दिखाना पड़ेगा कि इस कॉलम में आपने क्या वर्किंग किया, इस कॉलम में आपने क्या वर्किंग किया, वैसे करके। कैंडिडेट्स शुड टाइप देयर वर्किंग्स एंड आंसर्स इन द वर्ड यूजिंग स्टैंडर्ड कीबोर्ड टाइपिंग। कैंडिडेट्स ओफो, एक सेकेंड, अब कोई और नहीं आ सकता, मैं किसी को परमिशन नहीं दूंगी आने का। सो कैंडिडेट्स शुड टाइप देयर वर्किंग्स एंड आंसर इन द वर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग स्टैंडर्ड कीबोर्ड टाइपिंग।
do not, you candidates do not need to use notations that require specialized equation editing, equation editor. यानी कि ऐसा कोई इक्वेशन जिसमें आपको इक्वेशन एडिटर का जरूरत पड़े वो आएगा ही नहीं, और अगर आएगा यू कैन सिंपली, जैसे मैंने भी बोला एंड सर ने भी बोला, यू कैन राइट इट इन वर्ड्स. इक्वेशन एडिटर के पीछे काफी झमेला और है. कभी अभी रिसेंटली एफएक्यू में आया था दैट यू कैन यूज इक्वेशन एडिटर. सबने मुझे कॉल करना स्टार्ट किया, मैंने खाली एक बार बोला था सबको. आई थिंक यहाँ पे कोई डिनाई नहीं कर सकता इस चीज को कि मैंने बोला हो कि हाँ करो आराम से यूज. मैंने क्या बोला, दैट शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट. इक्वेशन एडिटर आपका लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए. आपको उसके पहले ट्राई करो कि नोटेशंस फॉलो करो, ट्राई करो टू राइट इट इन वर्ड्स, देन इफ नथिंग एल्स एकदम लास्ट रिजॉर्ट शुड बी योर इक्वेशन एडिटर. एंड कोई कोई लोग तो ऐसे मतलब बोल रहे थे मेरे को कि मैं ही IFOE की प्रेसिडेंट हूँ, मेरे को ऐसे बोल रहे हैं कि दीदी प्लीज इक्वेशन एडिटर से ही अच्छा होता है, नोटेशन से तो एकदम अच्छा नहीं लगता देखने में. अब मैं उस बच्चे को क्या बोलूं, मतलब ऐसा बात करे एक क्लास 12 पास आउट बच्चा, उसको मैं क्या बोलूं. ठीक है भाई तुमको जो यूज करने करो, मैंने अपना बात बोल दिया, तुमको जो आप करने करो, इट्स अप टू यू. दैट इज द लास्ट थिंग विच आई कैन से, राइट? बिकॉज मैंने जब इतने बार बोल दिया इक्वेशन एडिटर के बारे में डे वन से. हाँ, स्टार्टिंग में मैंने इक्वेशन एडिटर के 3-4 क्लासेस बनाए थे बिकॉज उस समय कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था. जब से उन्होंने बोला है पेपर में, मना किया है एक्सप्लिसिटली कि नहीं यूज कर सकते, तब से अभी तक मैंने खाली यही बोला है कि डू नॉट यूज इक्वेशन एडिटर, दैट शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट. ठीक है, तो सबसे पहला ये बात हुआ कि आप इक्वेशन एडिटर मत यूज करो. वाई टू टेक द रिस्क, क्यों रिस्क ले यहाँ पे? व्हाट दे आर सेइंग इज दैट दे डू नॉट नीड to use, they're not saying you can't use equation editor, but they are saying that you do not need to use the notation, any notation which will require equation editor. So they are saying khud se saamne aake ki aap normally karo, normally notations use karo, normally likho. Kya kya likha hua hai dekho, marks, allocations are shown in brackets. Attempt all questions. Candidate must include their workings. ये तो हम day one से देख रहे हैं. Correct answer will not score full marks. पूरा working सिखाना है. Equation editor को minimize करो. और आपको यहाँ पे Excel का जो मैंने बोला कि अगर आप copy paste करोगे भी, याद रखना कि आपको नीचे में बहुत अच्छे से working सिखाना है. तो इसीलिए it is better जो मैंने, हाँ काफी लोग बहुत बार मुझे force किए बोलने के लिए कि please equation Excel तो कहीं लिखा नहीं है, हम use कर सकते हैं. मैंने क्या बोला, इफ यू आर यूजिंग एक्सेल तो आप नीचे में अच्छे से वर्किंग दिखाओ, बिकॉज एक्सेल से आपको खाली टेबल कॉपी पेस्ट करना है, बट वो टेबल आप वर्ड में वैसे भी बना सकते हो, मैंने दिखाया था एक क्लास में. ठीक है, योर वर्ड डॉक्यूमेंट मस्ट नॉट कंटेन एनी लिंक्स टू एनी अदर डॉक्यूमेंट. इसका क्या मतलब है कि आप कुछ लिंक नहीं डाल सकते, मे बी आप भाई सेल्स का लिंक जो एक्सेल में रहते हैं वो इधर नहीं रह सकता. और ये फाइल नेम मैं एक और मतलब मैंने एक वीडियो में निकालूंगी, उसमें I'll explain कि क्या क्या होना चाहिए. आई थिंक सबने देखा होगा, मैंने लास्ट टाइम भी बनाया था एक वीडियो. द वर्ड डॉक्यूमेंट मस्ट बी अपलोडेड ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, दैट इज फाइन. सो बेसिकली इफ यू सी, लेट मी जस्ट, आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने, मैं क्या करूँगी, मैं इसको भेजती हूँ, इन दोनों फाइल्स को आई विल सेंड इन व्हाट्सएप टूडे, जो फाइल्स मैंने यूज़ किया था पढ़ाने के लिए. यहाँ पे क्विक शॉर्टकट्स हैं, मेक श्योर यू आर मेकिंग यूज ऑफ दीज शॉर्टकट्स. मैंने टेबल बनाना सिखाया था कि कैसे हम वर्ड में डायरेक्टली टेबल बना सकते हैं. ठीक है, काफ़ी कुछ यहाँ जो मैंने कराया था इसको फॉलो करना है. मेक श्योर यू आर यूजिंग दीज शॉर्टकट्स, क्योंकि ये शॉर्टकट्स यूज करने से आपका टाइम काफ़ी बचता है. फिर मैंने क्या बोला था, फाइल नेम कैसा होना चाहिए, मैंने हेडर भी लगाना सिखाया था. आई होप आप लोग ने देख लिया ये वीडियो. ARN आपका जो ARN है, कौन सा पेपर दे रहे हो एंड द टर्म, तो वही उन्होंने भी बोला है कि आपको कैसे देना है. यू विल हैव टू राइट योर ARN योर सब्जेक्ट सितंबर 2020. तो ये पूरा आपको लिखना है. एंड दिस आल्सो शुड बी योर फाइल नेम. तो जब आप इस फाइल को सेव करेंगे, दिस फाइल शुड बी सेव्ड एज, सो इफ आई ओपन माय दिस थिंग, यहाँ पे अगर सपोज मुझे इस फाइल को सेव करना है, सो आई विल सेव इट एज माय ARN जो भी है. ठीक है, टाइप करके सपोज मेरा जो भी है,
यहाँ पे मैं वो नहीं डाल सकती, तो ARN जो भी मैं अपना ARN टाइप नहीं कर रही हूँ, पर जो भी आपका ARN है आपको टाइप करो CM1 एंड फिर सेप्टेम्बर, ये आपका पूरा दिस शुड बी योर फॉर्मेट September 2020, दिस शुड बी योर फॉर्मेट ऑफ द फाइल नेम. आपको क्या करके रखना है, यू हैव टू रीनेम द फाइल, कीप इट एज इट इज, क्या ताकि एग्जाम में आपका टाइम नहीं जाए ये सब काम करने में. ओपन द फाइल, हेडर डालो. हेडर कैसे डालते हैं हम, हेडर कहाँ डालते हैं, अगर आपने मेरा क्लास देखा है बताओ, इंसर्ट में जाके हेडर या फुटर आप कुछ भी डाल सकते हो. आई प्रेफर पुटिंग हेडर्स, ठीक है, जहाँ पे भी राइट अलाइन या लेफ्ट अलाइन करना है, सो लेट अस कीप इट एज राइट अलाइन. एंड यहाँ पे लेट मी जस्ट कीप माय हेडर एज माय ARN, ठीक है, CM1 September 2020. नेक्स्ट पेज में गए, यहाँ पे आंसर टू लिख लिया बोल्ड में, ताकि इससे क्या होगा ना कि आपको बार बार एग्जाम में ये बोल्ड में लग करके लिखना नहीं पड़े. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पहले से बिफोर हैंड जस्ट सॉरी इसको कॉपी कर लेते हैं, यू कैन राइट एटलीस्ट मतलब 12-13 क्वेश्चन आंसर्स तक लिख लो ऐसे करके आंसर टू, ऐसे करके हर एक पेज के स्टार्टिंग में मे बी 12-13 क्वेश्चन आंसर्स के लिए लिख लो. यू कैन अंडरलाइन ऑल्सो ये, फिर आपको जब क्वेश्चन पेपर जैसे मिलेगा ना, सो यू कैन स्टार्ट टाइपिंग यहाँ से आराम से. ऐसे हम लिख सकते हैं पार्ट वन एंड हम फिर इसको आंसर करना स्टार्ट कर सकते हैं इधर से, ठीक है. तो ये स्टैंडर्ड चीज़ आप करके रख सकते हो पहले से घर पे, ताकि आपको एग्जाम के पहले इनफैक्ट ताकि आपका टाइम नहीं जाए ये सब एग्जाम के बीच में करने से. सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स विच यू कैन डू बिफोर स्टार्टिंग योर एग्जाम, ठीक है. तो ये सारा चीज़ मैंने बोला कि आप क्या कर सकते हैं. टू मिनट्स तो मुझे एक बार. तो अब हम लोग ये सारा जो 3-4 स्टेप्स है कि फाइल नेम रीनेम करके रखना, हेडर डाल के रखना और आंसर्स लिख के रखना, ये सारा पहले से करके रखो. अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ कुछ डाउट्स जो कॉमन है, वो सबका लेते हैं. काफ़ी सारा नोटेशंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है. फॉर द लेफ्ट ओवर नोटेशंस, सबसे पहले तो प्रॉफिट टेस्टिंग, ठीक है. तो मैं बस दिखा रही हूँ जो भावना तुमने सोल्यूशन नहीं भेजा कि आई वॉन्टेड द सोल्यूशन नॉट द क्वेश्चन. कोई मुझे एग्जामिनर रिपोर्ट का, और लेट मी जस्ट टेक आउट द सॉल्यूशन, रुको मैं खुद ही निकालती हूँ IFOA का. प्लीज अपना माइक सब ऑफ रखो. कोई बता सकते हैं कि कौन से टर्म में प्रॉफिट टेस्टिंग का अच्छा सा समय था, एक अप्रैल या सितंबर में आया था क्या 2019 में? चैट बॉक्स यूज करो प्लीज, चैट बॉक्स यूज करो. सो अप्रैल में आया था, तो हम अब एक काम करते हैं, इसको खोल के देखते कि हमें करना क्या एग्जाम में एक्चुअली, ठीक है. एंड डू नॉट थिंक कि बहुत ही डिफिकल्ट ऐसा सम आएगा जो हम लोग कभी जिंदगी में वर्ड में लिख ना पाए, वैसा कभी नहीं होगा. बता सकते हो कौन सा नंबर क्वेश्चन था, किसी ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है?
September 2018 राधिका इज सेइंग, उसके पहले नहीं आया क्या? अप्रैल में नहीं आया क्या? अप्रैल 19 में नहीं आया क्या? 19 में एक भी सब नहीं आया प्रॉफिट एस्टिंग का, सितंबर और अप्रैल में. सो सितंबर 18 ही बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा कैसे हो गया? ठीक है, मैं सितंबर 18 ही खोलती हूँ फिर. ये हम 15 मिनट्स में डिस्कस करके फिर सबका जनरल क्वेरीज लेंगे कि सबको किस में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है. सितंबर 2018 हैज जीरो राइजिंग एंड अप्रैल 2018 हैज फुल सम. तुम लोग आपस में ही झगड़ा कर लो थोड़ा सा, ठीक है? ठीक है भाई, झगड़ा करने का जरूरत नहीं है, मैं देख लेती हूँ बोल के. कोई बता सकता है कि अप्रैल 18 में कौन सा क्वेश्चन नंबर है? और रुको, मुझे ढूंढ, मैं खुद ही ढूंढूंगी. इज इट क्वेश्चन 13? हाँ ठीक है, मुझे मिल गया, आ जाओ. क्वेश्चन 13 अप्रैल 2018 वाला पेपर है. अब इस सम में कोई बच्चा अगर ये बोले हाँ, सबसे पहले अपने मल्टीपल डेक्रीमेंट टेबल बनाते हैं. यहाँ पे इसको अब हम कैसे कर सकते हैं अपने वर्ड में? यहाँ पे तो कहीं टेबल यूज किया भी नहीं इन्होंने, बट स्टिल इफ यू डू इट इन टेबल आई थिंक इजी होगा. तो इसको कैसे करेंगे अपने? एक सेकेंड, बस मैं इसको स्प्लिट कर लेती हूँ अपने स्क्रीन को, या उसका जरूरत नहीं पड़ेगा. यहाँ हम क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल. इनिशियली हमें पता नहीं कितना रोज कितना कॉलम चाहिए, सो वी कैन स्टार्ट विद दिस. अगर आपको अपना ये मुझे ठीक लगता है. सो व्हाट आर द थिंग्स विच वी नीड टू राइट? एज एक्स, क्यू एक्स सी. मैं एकदम फटाफट दिखाऊंगी, मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी ऑब्वियसली, आई विल नॉट सॉल्व द एंटायर थिंग, बट आई विल जस्ट शो कि कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं. एक्स क्यू एक्स डी, इसको कैसे लिखे हम? क्यू एक्स डी कैसे लिखे बताओ, कोई चैट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्यू एक्स डी कैसे लिखे? मैं अपना नोटेशन फाइल भी खोल लेती हूँ. आई थिंक दिस इज द नोटेशन. कोई बता सकते हैं क्यू एक्स टी कैसे नोटेशन जल्दी से चैट बॉक्स में अगर कोई लिख के दे सकता है तो? किसी ने नहीं लिखा क्या? अच्छा तुम लोग लिख रहे हो, मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही फिर? सो इफ यू ऑल कैन सी, आई विल जस्ट करेक्ट यू ऑल कि कौन सा सही है कौन सा गलत है. शैली का विल डू, रुचिता पूरा गलत, क्योंकि तुमने ये जो साइन है मैंने बहुत बार रिपीट किया है, दिस इज फॉर एक्स टू दी पार, मतलब क्यू टू दी पार एक्स, यानी कि टू टू दी पार टू, या वो जब हम करते हैं वो चीज हो गया. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. दिस विल डू, एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो बेसिकली कोई भी अगर बंदा ये यूज कर रहा है टू दी पार कैरेट सिंबल, समझ जाओ कि पूरे गलत हो. टू दी पार तो कभी यूज करना ही नहीं है. दिस इज फॉर व्हेन यू रे, व्हेन यू पुट समथिंग ऑन टू दी पार. यहाँ पे क्यू एक्स डी, डी एज अ सुपर स्क्रिप्ट है, वो टू दी पार नहीं है. तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो हम क्या कर सकते हैं,
सबसे बेस्ट ऑप्शन तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे क्यू लिखा हमने, ठीक है क्यू। अब आप सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये आपका सुपरस्क्रिप्ट चला गया। यहाँ पे आप बी लिख सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल प्लस, और यहाँ पे आप एक्स लिख सकते हो। दिस यू कैन डू, और इफ माई फॉन्ट साइज इज नॉट क्लियर, दिस और वॉट यू कैन डू इज, ठीक है यहाँ पे बहुत लोग बोल रहे हैं बार बार कैपिटलाइज हो जा रहे हैं, ठीक है अब नहीं होगा। कंट्रोल एक्स प्रेस करो, कैपिटलाइज नहीं होगा। कंट्रोल एक्स जब हम स्पेस देंगे ना तो वो अपने आप कैपिटलाइज हो जाते हैं। दिस इज अ जनरल वर्ड का फीचर जो होता है जब हम ऐसे लिखते हैं, क्यू एक्स डी लिखा सपोज मैंने, सो एक्स एंड डी एंड मैंने स्पेस दिया तो वो अपने आप कैपिटलाइज हो गया। तो कंट्रोल जेड करो वो अपने आप स्मॉल हो जाएगा, ठीक है कंट्रोल जेड करो वो अपने आप स्मॉल हो जाएगा। दिस यू कैन डू, कंट्रोल जेड एक सेकेंड भी नहीं लगेगा आई थिंक प्रेस करने में। ये कर सकते हो फॉलो, या फिर कैसे कर सकते हैं, बेस्ट थिंग विच आई बिलीव इज क्यू डी अंडरस्कोर एक्स, दिस इज द बेस्ट यू कैन डू, और यू कैन सिंपली राइट यहाँ पे एक्स। क्योंकि इन लोग अपने नोटेशंस में क्या दे रहे हैं, देखो केपीएक्स को इन्होंने बहुत ही नॉर्मली लिखा है केपीएक्स, ठीक है तो ये यहाँ देखो ये सेम हो गया ना, सेम हो गया जो हम कर रहे हैं, तो ये वही है। या तो आप ऐसे लिखो, ठीक है तो हम टू दी पार वाला सिंबल देते हैं ना, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर तुम लोग आफ्टर सो मेनी क्लासेस ऑफ मी टेकिंग वर्ड क्लासेस एंड ऑफ डिस्कसिंग सो मच इन द ग्रुप इन द क्लासेस, इफ यू आर स्टिल डूइंग दिस देन इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देयर इज अ डिफरेंस। अगर मैं टू टू दी पार टू लिख रही हूँ और मुझे टू एंड ई एज अ सुपरस्क्रिप्ट देना है मुझे, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। मेक श्योर ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, ठीक है तो ये चीज प्लीज नहीं करना है। सपोज इसकी जगह ई ले लेते हैं हम, ये प्लीज नहीं करो, ये प्लीज नहीं करो। टू डी पार वाला सिंबल और ब्रैकेट है मैंने कितनी बार रिपीट किया। तो अब यहाँ पे सिंपली यू कैन राइट, भले ही आई नो कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर पे ही करना पड़ेगा, एक्सेल में आप नहीं कर सकते हो, बट एक्सेल में भी इफ यू डू दिस, लाइक लेट मी शो यू ऑल, एक्सेल में इफ यू एक्सेल में इफ यू डू दिस कैलकुलेशन, हो सकता है हल्का इजी हो जाए कैलकुलेशन, बट याद रखना जब कॉपी पेस्ट करोगे तो हल्का प्रॉब्लम हो सकता है कॉपी पेस्टिंग में। तो इससे बेटर क्या है कि आप ये फटाक से टेबल बना लो, फटाक से ये टेबल बना लो और इसमें करो। इनफैक्ट कुछ कुछ चीज है जो टेबल तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू डू। जिनको एक्सेल कंफर्टेबल लग रहा है एक्सेल में, व्हाट यू ऑल कैन डू इज, बट आई सी आई डू नॉट सजेस्ट यूजिंग दैट, तो मैं नहीं कर रही हूँ यूज अपने क्लास में एटलीस्ट सबके सामने। बट येस यू कैन डू, यू कैन टाइप एंड यू कैन कॉपी पेस्ट यहाँ पे आराम से, बट आई थिंक यू शुड अवॉइड दैट। क्लैरिफिकेशन नहीं है तो मैं भी पूरा नहीं बोल पा रही हूँ, बट यूज मत करो। उन्होंने ऐसे लिखा है कि कॉपी पेस्टिंग फंक्शंस विल नॉट डू, यू हैव टू शो एंटायर वर्किंग्स एंड ऑल, इट्स बेटर दैट वी अवॉइड, ठीक है यूजिंग एक्सेल। एंड बिलीव मी टाइम ऐसा सफिशिएंट होगा एग्जाम में कि एक नॉर्मल बच्चा जो है जिसने अच्छे से पढ़ा है वो कर पाएगा पेपर, क्योंकि फिर सी एम एन का जो हम थ्योरी पेपर देखते हैं लिख के वो भी बहुत जनों को लेंदी लगता है, तो उन लोग वर्ड में और ऑब्वियसली कम देंगे टाइम, ताकि तुम लोग को मतलब ऐसे देंगे कि तुम लोग कंप्लीट कर पाओ विद इन 3 hours, ठीक है 3.5 3 hours and 15 minutes। सो 3 hours and 15 minutes में पेपर डाउनलोड करना है, सब कुछ वर्ड में टाइप करना है एंड फिर नेक्स्ट 15 hours मिलेगा टू सबमिट दैट पेपर। तो वो पोर्टल में रहेगा ये, इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी 10-15 minutes का आज या कल ही, एंड आई विल पुट इट अप ऑन यूट्यूब पे, तुम लोग देख सकते हैं। बट यहाँ पे इफ यू सी दिस कैन बी इजीली डन। इसको कैसे लिख सकते अपने ए क्यू, इसको ब्रैकेट में लिखा, फिर अपने डी लिखे,
अगेन इन ब्रैकेट एन एक्स, आराम से इसको भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मूविंग ऑन, कमिंग टू दिस पोर्शन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, ऐसे भी लिख सकते हो, सी लेट मी शो यू ऑल, ए क्यू, ठीक है, ब्रैकेट में बी लिखा, एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड, ठीक है, या फिर बेटर इज टू गिव दिस कोलन एन एक्स, ठीक है, बेटर इज टू गिव अ कोलन, सो यू कैन डू दिस, इसको भी अगर आपको ए क्यू को भी ब्रैकेट में रखना, यू कैन डू, अदरवाइज दिस विल ऑल्सो डू, सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू, आपका जो भी इतना सारा चीज था वो गलत था। सो लेट मी जस्ट रीड द क्वेश्चंस, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस, सुपरस्क्रिप्ट के लिए, इसका मतलब मुस्कान ने मेरा वीडियोस नहीं देखा है, सबस्क्रिप्ट इज फॉर कंट्रोल प्लस, सुपरस्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस, मेरे इसमें भी है सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, आई एम श्योर, अगर नहीं भी है तो मैंने क्लास में बोला है। जब कॉपी पेस्ट मना किया है तो नहीं कर सकते ना, कॉपी पेस्ट फंक्शंस के लिए मना किया है, एंड ये नहीं बोला है कि कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते राशि, ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस, बट आई वुड सजेस्ट नॉट टू। रितम तुम कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बोलो। मैम आपने डिक्रीमेंट टेबल बना दिया, ठीक है, नीचे वर्किंग दिखाना है क्या कि एपी कैसे आया है, एक्यू कैसे आया है, आपने तो बस टेबल बनाया अभी। रुको रुको, मेरा खत्म होने दो बात को, ठीक, क्यों एग्जामिनर्स रिपोर्ट फॉलो करें, क्योंकि अभी रिसेंटली एक और अपडेट आया था, मैंने शायद ग्रुप में भी भेजा था, उसमें था कि वर्किंग्स काफी अच्छे से दिखाने, एंड वर्किंग्स कहाँ से समझेंगे, पास्ट पेपर्स देख के समझेंगे, तो ये जो पूरा कर रहे हैं यहाँ पे हमने एक क्यू, ये कैसे निकाला है, ये वाला जो कैसे निकाला है, तुम लोग इसमें क्या कर सकते हो ना, खाली फर्स्ट रो दिखा दो कि कैसे किया है, ठीक है, ए क्यू डी एक्स कैसे निकाला है यूजिंग दिस, ठीक है, तो ये कैसे निकाला है ए क्यू एस एक्स, ये कैसे निकाला है, फिर हमने तो ये खाली अगर तुम लोग फर्स्ट रो दिखा दोगे तो चलेगा, एंड फिर बाकी में नॉर्मली करो, एंड फर्स्ट रो कैसे दिखाएंगे हम, टेबल के अंदर हम लिखेंगे, ठीक है, सपोज ये मेरा ए क्यू एक्स है, तो यहाँ पे एक्स क्या है, कौन है जो मैं, कौन है, बहुत डिस्टर्बिंग है ये चीज, कौन जो चिड़ाई हो, प्लीज म्यूट रखो अपने आप को, बहुत सारे लोग है क्लास में, बहुत डिस्टर्बिंग हो रहा है ये चीज, बार बार तुम लोग म्यूट अनम्यूट करो तो। तो यहाँ पे हमने 62 लिखा, ठीक है, टैब एंटर करके दूसरे सेल में जाएंगे, ये मेरा बोल्ड आ रहा है तो इसको तुम लोग अनबोल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल बी। अब ये बताओ ये क्या है, ये कैसे निकाला है, ये सेम एज क्यू एक्स टी है, सेम एक्स क्यू एस टी, तो इसको तुम लोग ऐसे ही लिख दोगे नॉर्मल 0.01, ये भी तुम लोग ने टेबल बुक से देखा होगा, या फिर ये दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, आई सपोज ये दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, तो ये हमने ए क्यू एक्स ही लिख दिया इधर, ए क्यू एस एक्स ये कैसे निकाला है, कोई बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से कैसे निकाला है। रितम डोंट मतलब मेरे को तुम क्वेश्चन मत करो, तुम्हें बात सुनो, तुमको करना ही पड़ेगा ये चीज, वरना समझ में नहीं आएगा ना एग्जामिनर को कि तुम कैसे निकाले, इसलिए मैंने क्या बोला कि खाली फर्स्ट लाइन दिखाओ, कितना टाइम लगेगा यार फर्स्ट लाइन दिखाने में, ये बताओ कैसे निकाले, 1 - AQXD, हाँ वेरी गुड, ठीक है, तो हमने अब हम यहाँ पे वो चीज कर देंगे, एक लाइन में हम लोग को दिखाना पड़ेगा इस वाले सेल में या जिसमें भी तुम लोग दिखाओगे, फर्स्ट लाइन में तुम लोग कैसे दिखाओगे, 1 - 0.010112 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू 0.09899, ये तुम लोग को दिखाना है फॉर दिस सेल, फिर इस सेल में 1 - 0.010001 ये दोनों करके ये आ गया, एंड ये कैसे है वैसे, तो ये खाली फर्स्ट लाइन में तुम लोग को दिखाना है, नंबर्स में देके दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है, एंड बाकी तुम लोग फिर खुद से कैलकुलेट करके डाल सकते हैं, तो ये चीज तुम लोग को करना पड़ेगा,
कोई उपाय नहीं है, ये करना ही पड़ेगा, ठीक है? इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम लोग को नंबर्स लेके दिखाने बोला है मैंने, ये सब यूज करके नहीं बोला है। जो जैसे राशि ने जैसे लिख के भेजा ना 1-AQ, वैसे नहीं करना है, तुम लोग नंबर्स लेके दिखाओ, यानी कि यहाँ पे क्या दिखाओगे, 1-this multiplied by this number, ये पूरा तीन मल्टीपल डिक्रीमेंट का टेबल ऐसे। एंड फिर अब यहाँ जैसे किया है तो ये पूरा ऐसे एग्जैक्ट टेबल बना के तुम लोग को नीचे में लिखना है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। मे बी 2-3 lines में फटाफट तुम लोग को लिखना है कि प्रीमियम एलोकेशन, या फिर तुम लोग वापस यहाँ पे कर सकते हैं कि फर्स्ट लाइन का तुम लोग दिखा सकते हैं कि कैसे किया हुआ है सब कुछ, ठीक है? तो प्रीमियम एलोकेशन कैसे किए, उसके बाद ये दिया हुआ होगा क्वेश्चन में तो इसके लिए जरूरत नहीं है, बिड ऑफर स्प्रेड भी दिया हुआ होगा क्वेश्चन में कैसे निकाला है, तो यहाँ पे नीचे में फिर पॉइंट्स दे के लिखोगे कि कैसे किए और कैसे दोगे पॉइंट्स। प्रीमियम एलोकेशन ये पूरा चीज है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे एक और कॉलम बना लेना 1-2-3 वाला, तुम लोग फिर ये लिख सकते हो रो नंबर 2 के लिए ऐसे किया है, रो नंबर 3 के लिए ऐसे किया है, 4 के लिए ऐसे किया है, एंड सो ऑन। जैसे कॉपी में तुम लोग को सर ने नोट्स लिखवाया था ना टेबल के नीचे, वैसे तुम लोगों को करना है यहाँ पे, या फिर तुम लोग वापस खाली फर्स्ट कॉलम का दिखा सकते हो कैलकुलेशन पूरा कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, एंड फिर बाकी वैसे कर सकते हो। दोनों दोनों में से जो तुम लोगों को कन्वीनियंट लगे तुम लोग कर सकते हो, ठीक है? सिमिलरली आई विल कम टू द क्वेश्चंस, मुझे ये कंप्लीट करने दो। सिमिलरली इसमें भी नॉन यूनिट फंड में भी पहला कॉलम का दिखा दो कैसे कर रहे हैं। अगर तुम लोग ऐसे जाते हो, मतलब यर्स यहाँ लिखते हो और ये सारे यहाँ लिखते हो, तो अभी देखो आई थिंक दिस विल बी ईजियर इन वर्ड, क्योंकि कॉलम्स कम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें एक एक साथ आई थिंक 4-5 कॉलम से ज़्यादा फिट आएगा नहीं। सो इट्स बेटर दैट यू ऑल, अगर आपको इंसर्ट करना है तो यहाँ से यू कैन इंसर्ट, ठीक है? रोज इंसर्ट कर सकते हैं हम, कॉलम्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो आई वांट टू इंसर्ट, कितना हो गया अभी, 6, हाँ तो वही 4 या 5 कॉलम से ज़्यादा हम इंसर्ट मत करना, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा, एक साथ बहुत छोटा हो जाएगा। इट्स बेटर दैट यू ऑल फॉलो दिस मेथड। योर्स यहाँ पे ले लिया एंड यहाँ पे सारा, हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, हम इसको कॉलम हेडिंग्स बनाते हैं, इसको रो हेडिंग्स बनाते हैं। तुम लोग ये वाला प्रोसीजर करोगे तो आई थिंक बेटर रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट टेस्टिंग में थ्योरी में 4-5 साल से ज़्यादा का क्वेश्चन आता नहीं है, एंड अभी वर्ल्ड में आई डोंट थिंक और ज़्यादा आएगा भी। तो 5-6 कॉलम बनाना इज कन्वीनियंट दैन मेकिंग सो मैनी कॉलम्स, ठीक है? इतने सारे कॉलम्स, अगेन तुम लोग यहाँ पे पूरा फर्स्ट वाला रो कॉलम दिखा सकते हो कैसे आ रहा है, ये बिट ऑफ ये कैसे आया, ये कैसे आया दिखा के बाकी सब नॉर्मली कर सकते हो, या नीचे में फिर अगेन यू कैन टाइप डाउन कि पहला कॉलम। जैसे हम क्या कर सकते हैं अपने वर्ड में, ये वाले को सीरियल नंबर्स दे सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे हमने 1 लिखा, यहाँ पे हमने 2 लिखा, ठीक है? तो वैसे करके तुम लोग फिर बाद में नीचे में दे सकते हैं कि यहाँ पे रो वन कैसे निकाला, रो टू कैसे निकाला, रो थ्री कैसे निकाला, वैसे करके एक एक लाइन तुम लोग को देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं, अदरवाइज उस एग्जामिनर को नहीं समझ में आएगा कि कैलकुलेशन कहाँ से आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ देखो जैसे यहाँ पे किया हुआ है, अब इसके बाद ये तो तुम लोग को आई डोंट थिंक ये सब में कोई भी ज्यादा डिफिकल्टी है। AP 63 ऐसे लिखेंगे, AP:63, तो ये सारा चीज तुम लोग को पूरा एग्जैक्टली यही मेथड फॉलो करना है। टेबल में खाली एक कॉलम दिखाना, एक कॉलम दिखाना, एक एक रो दिखाना बहुत सफिशिएंट है। उसके बाद तुम लोग या फिर नीचे में दिखाना है तो नीचे दिखा सकते हो, जिसको जैसे कन्वीनियंट लगे एक दो बार प्रैक्टिस कर लो। दीज ऑल आर द वर्किंग्स विच यू रिक्वायर, नथिंग एल्स। मैं क्वेश्चन देखती हूँ। मैम इफ UDD CFM क्वेश्चन इज मेंशन्ड देन ओनली वैल्यूज आर अलॉटेड मार्क्स एंड नॉट इक्वेशन एक्सपेंशन, सो फॉर अदर क्वेश्चन हाउ आर वी supposed to know if we are allotted marks for typing calculations? Rashi, I do not get your question. Workings हर जगह होते हैं, UDD में भी workings होते हैं। तुम कौन सा, तुम अगर मुझे telegram पे specifically भेज सकती हो कि कौन सा UDD CFM में नहीं बोलते हैं,
व्हाट एक्सपेंशन डू यू मीन, मतलब कौन सा एक्सपेंशन? नहीं, यूडीडी में तो खाली अपने फॉर्मूला से करते हैं ना, थ्योरी में जैसे तुम लोग को रिप्रेजेंट किया है, यू डू नॉट हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्क्स कितना है. अगर किसी ने यहाँ पे 5-6 पेपर ऑलरेडी कर लिए है तो उसको ऑलरेडी पता है कि कहाँ पे क्या एक्सपैंड करना है. वर्किंग नंबर्स में दिखानी है डिक्रीमेंट में, वो वाला पार्ट नहीं समझा. क्यों नहीं तन्मय, मैंने ये बोला ना कि यहाँ पे तुम इसको कैसे लिखोगे, इसको खाली ऐसे लिखो ना, नंबर लिख दो यहाँ पे, बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस ओनली. और यू कैन शो राइट QXD एंड देन इक्वल टू करके यहाँ पे ये लिख सकते हो. यहाँ पे ये लिखा कि दिस सेल इज इक्वल टू, अच्छा रुक, दिस सेल इज इक्वल टू QXD. तो हमने लिखा QXD, ठीक है. QDX लिखा हमने, एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम होता है वीडियो के साथ टाइप करना. तो अब यहाँ पे तुम लिख सकते हैं अपना, या फिर अब तुम इस वाले में क्या करेगा, फॉर दिस कॉलम 1 माइनस 0.0112 वो जो भी था, मल्टीप्लाइड बाय 0.1, ठीक है. तुम ये भी कर सकते हैं इधर. एंड इसीलिए मैंने बोला ना, ज्यादा कॉलम्स हम फिट करेंगे तो वही प्रॉब्लम हो जाएगा. बट या यू कैन डू दिस, इसमें हल्का टाइम लगेगा. तुम्हारा आवाज नहीं आया तन्मय, प्लीज यूज कमेंट बॉक्स. 0.09899. तो जो भी तुम लोग ऐसे करके पहला पूरा रो दिखा दो, बाकी फिर नॉर्मली करना. तो दिस यू कैन डू राइट. अदरवाइज इफ यू वॉन्ट, आई थिंक दिस विल गेट यू मार्क्स. तो इससे तुमको मार्क्स मिल जाएगा. तुमको पूरा प्रॉपर नहीं लिखना पड़ेगा. अगर लिखना है तो वैसे भी अपने कर सकते हैं, बिकॉज अपने ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं. सो 1 माइनस, इसको कॉपी कर लिया हमने, कॉपी करके पेस्ट एंड मल्टीप्लाइड बाय जो भी है अपना QXX जो भी है, ठीक है. तो वो यहाँ पे लिख दिया. ये भी कर सकते हैं या फिर वो भी कर सकते हैं जो मैंने बोला, ठीक है. ये ऐसे पहले रो के लिए दिखा दो और फिर जरूरत नहीं है. सिमिलरली फॉर दिस आल्सो, इसके लिए दिखा दो और फिर बाकी के लिए जरूरत नहीं है. मैम वर्किंग नोट में वी यूज वैल्यूज, वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा. वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा. सपोज नीचे में जब लिख रहे हैं ना, जब नीचे में यहाँ पे लिख रहे हैं रो 1 रो 2, तो इसमें दिखाना पड़ेगा दैट रो 1 इज इक्वल टू दिस, रो 2 इज इक्वल टू दिस, ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है. ऐसे दिखाना पड़ेगा. टेबल हेडिंग में फॉर्मूला भी लिख सकते हैं क्या? हाँ, टेबल हेडिंग में भी लिख सकते हैं. हर्षित बेस्ट ऑप्शन, टेबल हेडिंग में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. राशि वेट, मैं बोलूंगी, टाइम दूंगी, रुक जाओ. मैम एक्सेल में सारा कैलकुलेशन ये सब करके देन वर्ड में पेस्ट होंगी. हाँ यश, कर सकते हैं. राशि हाँ बोलो, अनम्यूट करके बोलो, क्या बोलना है. मैम आई वाज सेइंग, जैसे IFOA ने एक सैंपल पेपर दिया था एंड आपने भी उसका वीडियो बनाया था, उसमें एक क्वेश्चन था तो क्योंकि वो मतलब नॉर्मल इंटीजर्स में था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मार्क्स आर नॉट अलॉटेड फॉर इक्वेशन एक्सपेंशन एंड ओनली फॉर वैल्यूज जैसे क्यू एंड पी का. तो ऐसे हाउ डू वी एस्टिमेट कि कौन सा में, आई मीन दे आर गिविंग मार्क्स फॉर टाइपिंग एंड कौन सा में देयर इज नो मार्क्स फॉर टाइपिंग. दिस इज अ वेरी कॉमन सेंस राशि, ठीक है. क्योंकि यू हैव टू सी द मार्क्स,
यू हैव टू सी कितना मार्क्स मिल रहे हैं. मे बी अगर 2 मार्क का है तो आपको थ्योरी में भी शायद एक्सपेंशन नहीं करना पड़े, ठीक है. एंड हो सकता है दैट इस बार क्वेश्चन में हम लोग ब्रैकेट में लिख दे, यू डू नॉट हैव टू एक्सपेंड इट, यू जस्ट हैव टू गिव द वैल्यूज, ठीक है. सो दिस इज अ वेरी कॉमन सेंस विच आई थिंक वी ऑल शुड हैव, कि अगर 2 मार्क्स का है तो हम उसके लिए 2-3 लाइन नहीं लिख के बस एक लाइन में उसको 1 या 2 लाइन में समझा सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3-4 लाइन, ठीक है. ये पहला बात. दूसरी बात ये भी है कि उन लोग इस बार मोस्ट प्रोबेबली दे विल राइट इन क्वेश्चन अलॉन्ग विद द क्वेश्चन कि आपको खाली यू नो वर्किंग्स नहीं दिखाना है इसमें. दैट इज अ वेरी कॉमन आई थिंक थ्योरी में भी यू ऑल फॉलो दिस, कि अगर जहाँ पे 2 मार्क्स का आते तो हम उसको एक्सपेंड. और राशि तुम एक बार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि वो कितने मार्क्स का था, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर कितने मार्क्स का था. मैम ये प्रॉफिट टेस्टिंग का टेबल पहले बना कर रख कर फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्या भावना? दैट इज अप टू यू. मेक श्योर तुम लोग कोई दूसरे फाइल से लिंक नहीं कर रहे हो, बट आई वुड सजेस्ट तुम लोग जो सोच रहे हो ना कि अपने को एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा, योर थॉट प्रोसेस इज कम्प्लीटली रॉन्ग. दिस शोज कि तुम लोग अभी तक मेच्योरली सोच ही नहीं रहे. उन लोग को पता है, मैंने शायद अपनी हर क्लास में बोला है, उन लोग को पता है ये चीज कि इस बार वर्ड में हो रहे हैं एग्जाम. दे विल डेफिनेटली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, और दे विल इंक्रीज द मार्क्स, और दे विल यू नो गिव सच क्वेश्चंस व्हिच यू कैन डू इन वर्ड फॉर 3 hours 15 minutes. अगर अब आप एक नॉर्मल क्वेश्चन पेपर को वर्ड के सोचोगे कि 3 hours 15 minutes में वर्ड में कर सकते हो, देन ओनली गॉड कैन सेव यू, नो वन एल्स. बिकॉज मैं भी नहीं लिख सकती, कोई नहीं लिख सकता एक वर्ड वाले पेपर को 3 hours 15 minutes में, सॉरी रिटन वाले पेपर को वर्ड में 3 hours 15 minutes में. सो दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीटली रॉन्ग. पहले से क्या करना है मैंने बोल दिया है, वर्ड फाइल का हेडर देना है, वो सब सब मैंने बोल दिया कि क्या क्या करना है. बट और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, उसके लिए टाइम मिलेगा एग्जाम में. मयंक एक मिनट रुक जाओ. थी हम लोग ऑफलाइन एग्जाम में भी वर्किंग नहीं दिखाते एंड एग्जामिनर्स रिपोर्ट में भी नहीं, तो क्यों दिखाए? राशि कौन सा वर्किंग? मैंने खाली एक लाइन बोला है दैट विल जस्ट टेक मोर 2 मिनट्स, तो क्यों नहीं दिखाना है जब उन्होंने 10 बार बोला है ये चीज कि आपको वर्किंग दिखाना है, ठीक है. क्योंकि जब हम पेपर पेन यूज करते हैं इट इज अ वेरी जनरल सेंस कि हम लोग साइड में वर्किंग्स लिख देते हैं. एंड IFO से हम लोग को वाइट शीट्स मिलते हैं एग्जाम, जिन्होंने अभी तक एग्जाम एक भी नहीं दिया है, जिन्होंने दे दिया है लाइक स्नेहा, आई थिंक स्नेहा शायद दी होगी, और भी बहुत जन है यहाँ पे जिसने दे दिया पहले कोई ना कोई पेपर. 3-4 लूज शीट्स मिलते हैं हमें, उसमें वर्किंग्स करना होता है, वो भी सबमिट करना होते हैं हम लोग को, वो हम लोग लेके नहीं जा सकते अपने साथ. तो पेपर में ये जनरल चीज़ है कि हम लोग एंड अप हम लोग करेंगे ही वर्किंग. तो अगर मैं एक लाइन लिखने बोल रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? 2 मिनट ही तो लगेगा. अगर एकदम टाइम नहीं है तो स्किप करो ना, तब मत करो. डेक्रीमेंट के लिए नहीं किया चलो ठीक है, बट प्रॉफिट टेबल के लिए तो करना ही है. तो कुछ कुछ चीज मैं जो बोल रही हूँ बिना क्वेश्चन की उस चीज को फॉलो करो. अगर तुम लोग को मतलब एकदम ही नहीं समझ में आ रहे तो जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग. सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट जहाँ जहाँ जरूरत लगे हर जगह यूज कर सकते हैं. एंड अभी मैं एक और चीज बोल रही हूँ, जिसको जिसको जहाँ पे भी लग रहा है कि ये चीज मेरा गलत है, प्लीज अभी तुम लोग सब कुछ नहीं, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो तुम लोग को लगे एकदम जहाँ पे डाउट हो तुम लोग टेलीग्राम पे भेज सकते हैं अभी. और 15-20 मिनट्स का क्लास चलेगा, उसमें आई कैन चेक कि किसका क्या. पर सब लोग अब अपना मत भेजना, जहाँ जहाँ डाउट है बहुत ज्यादा वही भेजना. सुपरस्क्रिप्ट सब्सक्रिप्ट का क्या लिखा है यश तुम? कि सुपरस्क्रिप्ट सब्सक्रिप्ट जहाँ जहाँ जरूरत लगे हर जगह यूज कर सकते हैं, बिकॉज उससे प्रेजेंटेबल लगेगा, शॉर्टकट की से टाइम भी नहीं लगेगा. हाँ हाँ आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है. मयंक बोलो अनम्यूट करके तुमको क्या बोलना है. दीदी पाउंड का हम लोग जो यूनिट लिखते हैं वो हम लोग पाउंड टाइप कर सकते हैं? हाँ वरना मैं दिखा दे रही हूँ कैसे. 2 मिनट लगेगा, आप यूनिट भी लिख सकते हो. इधर आ जाओ प्लीज, अनम्यूट कर लो क्वेश्चन पूछ के.
जस्ट टू सेकेंड्स एंड वॉट यू हैव टू डू इज इंसर्ट में, जो आई थिंक मेरे इंसर्ट में हो गई क्योंकि मैंने यूज किया है काफी बार, इन सिंबल में जाके यू विल फाइंड दिस, तो मैंने ये फर्स्ट ये यूज करा हुआ है. अगर ये नहीं है आपके सिंबल सेक्शन में, आपको कहाँ से मिलेगा? डॉलर तो आपके कीबोर्ड पे होता है फोर के ऊपर, तो शिफ्ट फोर से डॉलर आ जाएगा. पर अगर पाउंड यूज करना है तो जनरली आईफोन में क्या होता है, खाली पाउंड फाइनल आंसर में आपको यूज करना होता है. फाइनल आंसर शुड कंटेन द यूनिट, पूरे सोल्यूशन में जरूरत नहीं है, फाइनल आंसर शुड कंटेन. ऐसे यहाँ पे इफ यू सी क्वेश्चन पेपर में इफ यू सी कहीं भी पाउंड नहीं यूज किया है, तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे, तो चलो प्रोबेबिलिटी कहीं भी पाउंड यूज नहीं करा है, कहीं भी पाउंड यूज नहीं करा है. ठीक है, मे बी इन द फाइनल आंसर इफ देर, यहाँ पे तो प्रॉफिट मार्जिन इज द फाइनल आंसर, बट इफ देर आस्किंग यू द प्रीमियम एज द फाइनल आंसर, यहाँ पे पाउंड लगेगा. मैं ऊपर के क्वेश्चन में भी दिखा देती हूँ, सेम चीज होता है, देख लो कहीं पे दे डू नॉट यूज पाउंड. सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप लोग पूरे क्वेश्चन में पाउंड आपको यूज करने है, जस्ट इन द फाइनल आंसर यू हैव टू गिव इट इन पाउंड. एंड जो वो भी होगा वो भी मैं दिखा दे रही हूँ कहाँ से मिलेगा. सिंबल्स में जाओ, मोर सिंबल्स में जाओ, यहाँ पे देखो, तो अगर तुम लोग आई थिंक लैटिन में ढूंढोगे, लैटिन वन सप्लीमेंट में ढूंढोगे तो वहां मिल जाएगा. फिर इसको जब इंसर्ट कर लिया ना तो अब ये हमेशा यहाँ पे आ जाएगा. देखो ये पूरा रिसेंटली यूज्ड सिंबल्स है, तो यहाँ से यू कैन यूज. ठीक है, एंड ये खाली फाइनल आंसर में जाते हैं, तो उतना आई थिंक सर्वर भी नहीं है. Alt 0163 is the shortcut for pound. Very good. Then मैंने shortcut ढूंढ रखा है, but I think Alt 0163 से better ये है. मैं तो at least ये use करूँगी. फटाक से insert में गए, symbol में गए, ऊपर में है. If not that, you can leave. या फिर या you can if you are comfortable. तो then मैंने हम लोग को दे दिया है इसका shortcut Alt 0163. Again you can use that. शैली पूछ रही है वेरियंस को लिखते हैं ना, वेरियंस को 2IAX. हाँ शैली लिख सकते हैं. ठीक है, लिख सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस नोटेशन, अगर आप वेरियंस लिख दो खाली, ठीक है, खाली नाम ही लिख दो ना, वेरियंस ऑफ द गिवन नोटेशन. Variance of the given notation, that is better than using this shortcut. I think if your typing is fast, wo zyada time kam time lagega. Jahan jahan pe bhi word use kar sakte ho, expectation of the given notation. Theek hai, ek baar competing this ka notation bata sakte ho, kaun sa competing this? Bahut sare notations hain aur maine I think discuss bhi karaya ek do class mein. तो मैं एक दो कुछ पूछूं, आई विल टेल यू कौन सा क्या, कोई भी जो तुमको डिफिकल्ट लगे. सो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द टेलीग्राम ऐप, अभी तुम लोग टेलीग्राम पे भेज सकते हैं. टीपीएक्स एचएच बार विल डू, या इट विल डू केशव, इट विल डू. नहीं मैम, मतलब चलेगा ये वाला, ऐसे लिखेंगे तो TPX HH bar जो तुम बोल रहे हो, चलेगा तो सही. I don't think ऐसा. सबस्क्रिप्ट यूज़ करूँगा ऑफ़ कोर्स TPX में, but HH bar नहीं, TPX में ज़रूरत नहीं है, but I don't think ऐसा आएगा अभी. तुमको डायरेक्टली लिखना नहीं पड़ेगा, तुमको बस ये लिखना पड़ेगा जो भी दिया, या बट TPX HH bar will do. जैसे वो इंटीग्रेशन में तो कंपीटिंग लिस्ट का ये लिखना ही पड़ता है ना. हाँ ठीक है, तुम बस क्या कर सकते हो, उस HH बार को ब्रैकेट में लिख दो. ओके ठीक है, लाइक ये पूरा चीज जो है दिस यू कैन राइट इन ब्रैकेट, दिस विल डू. ओके, दिस यू कैन डू. पावनी ने जो भेजा है वो भी कर सकते हैं. न्यू बार
इसका क्या मतलब है राशि, ये जो है यहाँ पे ऊपर जो तुमने हाइफन दे है, न्यू बार एक्स तुम बोल रही हो क्या? मैम गलती से ऊपर मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, शायद मैंने उसका नोटेशन लिख के मतलब बताया कि ये क्या है, सही है क्या मैम? कांस्टेंट म्यू जो म्यू के ऊपर बार होता है ना, एक्स के बार, एक्स के ऊपर जो बार होता है वो कांस्टेंट म्यू, मतलब म्यू के ऊपर बार होता है म्यू एक्स, म्यू पे थोड़ी ना होता है, म्यू सिग्मा ये सब पे तो होते ही नहीं है मैम। एक्स के ऊपर बार होता है मैम, एक्स के ऊपर बार होता है, एक्स के ऊपर म्यू के साथ कब बार आते हैं? लास्ट समय मैम अभी भेजती हूं, मैम भेजती हूं विक्टर। तुम लोग तो इतना आई थिंक अगर थ्योरी होता तो भी तुम लोग इतना नोटेशंस नहीं पढ़ते, म्यू के ऊपर एक्स के बार कब बार, मैंने तो आज तक नहीं देखा। राशि पूछ रही है मार्क्स 4 अलॉटेड फॉर टाइपिंग एंड हाँ राशि, तो उन्होंने क्वेश्चन में जब लिखा है ना कि वो नहीं दिखाने से चलेगा, तुम लोग क्वेश्चन में लिख के देंगे, टेंशन मत लो लिख के देंगे, फिर भी अगर हल्का कहीं पे डाउट लगे यू कैन शो दिस एक्सपेंशन। बट उन लोग क्वेश्चन में जैसे स्पेसिबल ने भी क्वेश्चन में दे दिया था स्पेसिफिकली कि एक्सपेंशन नहीं दिखाना है, तो आई थिंक उन लोग एग्जाम में देंगे वो चीज। बट अगर टाइम है सो यू कैन जस्ट गिव वन लाइन एक्सपेंशन फॉर दिस, ठीक है, मीन स्ट्रेट अवे देन टू द आंसर। तो मैं एक बार ये खोलती हूँ, तन्मय इसको कैसे लिखे है तुम ये पूछ रहे हो ना, ये तो मैंने कराया है आई ए कोलन एक्स, और इसको कैसे लिखेंगे हम, आई स्मॉल ए लिखना, ठीक है, ड्यू आई ए ड्यू, और कोई ऑप्शन नहीं है, वे करना पड़ेगा। आई ए बार तुम लोग ड्यू ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि और क्लैरिटी बढ़े। आई ए कैपिटल ए ब्रैकेट में बार, इसको नॉर्मल टी वी एक्स, ये तो मैंने कराया भी है शायद, टी वी एक्स नॉर्मल सिद्धार्थ में भेजा है। ए This you have to write it in words. This you have to write it in words. There is no other way. Because यहाँ पे if you see the notations, उन्होंने नोटेशन में ऐसा कुछ दिया नहीं, मैंने पूछा था although, इसको कैसे लिखा है टर्म अश्योरेंस करके ना, तो यहाँ पे you have to write it in words. ये भी जो इस ये नोटेशन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको और कोई तरीका नहीं, या फिर ए नहीं, आई थिंक यू कैन राइट दिस इन वर्ड्स। ये कौन भेजा है, IFOA गाइडेंस हैंडबुक में फाइल को ऐसे सेव करने बोला है, तो फाइल नेम में लास्ट में एग्जाम टाइमिंग लिखेंगे कि सेकंड। Uploaded files must include ARN. नहीं, टाइम नहीं जाता है, ये गलत है, सितंबर 2020 ही लिखना है, ठीक है, सितंबर 2020 ही लिखना है। अब यहाँ देखो एक सेकंड रुक जाओ, मैं आती हूँ।
हाँ क्या लिखा है चैट बॉक्स में तुम लोग इतना? हाँ टर्म अश्योरेंस रिदम लिख सकते हैं वैसे। दी होल लाइफ के लिए तो दिया नहीं है नोटेशन। डब्ल्यू एल शैली ये मैंने 10 बार बोला होगा ठीक है। डब्ल्यू एल दी इस बार हमारे टू डिफरेंट स्लॉट्स दिए हैं। आई नो जब टू डिफरेंट स्लॉट्स है तो तुम लोग स्लॉट का नंबर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई डोंट थिंक दे आर आस्किंग स्लॉट नंबर, हैंडबुक में लिखा है। बट जो इस बार अभी जो मेल आया है तुम लोग के में, मेल में क्या लिखा है, मेल अभी आया आ जाए ना, तो उसमें सितंबर 2020 लिखे। तुम लोग को अगर ब्रैकेट में टाइम स्लॉट देना है तो दे दो फाइल नेम में। तुम लोग को अगर 8 AM लिखना है तो 8 AM, 8:30 AM लिखना है। बट आई थिंक नॉट नेसेसरी एट ऑल। सितंबर 2020 ARN एंड सब्जेक्ट नेम इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग्स विच यू नीड टू राइट। ठीक है, क्योंकि जब हम पेपर बी भी देते थे, शैली तुमने शायद दिया होगा पहले भी, काफी जनों ने दिया होगा यहाँ पे, तो उसमें भी 3 स्लॉट होते हैं, 2 या 3, बट स्टिल वी नेवर राइट द स्लॉट नंबर, सो नो पॉइंट। ठीक है, डब्ल्यू एल की जगह सिर्फ ए नहीं, राइट डब्ल्यू एल, राइट डब्ल्यू एल, बिकॉज वैसे ही सारा नोटेशन है। राशि ने भेजा, ये कैसे लिखे? सो राशि ऐसा आई डोंट थिंक आएगा, ठीक है। पर ये जो बार है दिस इज नॉट कि ये कांस्टेंट है, तो तुम इसको अवॉइड कर सकती हो। बिकॉज गेट दिस इन योर हेड दैट राइटिंग म्यू म्यू ओनली म्यू मीन्स दैट इट इज कांस्टेंट, ओके, अदरवाइज इट इज ऑलवेज अ फंक्शन। तो तुम लोग को जरूरी नहीं है डैश ये बार देने का। तुम लोग नॉर्मली म्यू म्यू ब्रैकेट में आई कोलन एक्स, इसको कैसे लिखेंगे? म्यू ब्रैकेट में आई कोलन एक्स, ठीक है। मैं दिखा दे रही हूँ एक बार फिर से। इतने सारे फाइल्स ओपन। हाँ सो व्हाट यू कैन डू, म्यू आई एक्स, ठीक है, दिस यू कैन डू। और कोई किसी ने नहीं भेजा कुछ? वो बार मैंने आज तक कभी लाइफ में कोई भी उसमें नहीं देखा, ठीक है। वो एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, बट म्यू रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट टर्म, सो इट डजंट मैटर। अगर म्यू वो किसी चीज का फंक्शन है तो वो अलग से एक्स, म्यू ब्रैकेट में एक्स लिखा रहता है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। प्लीज डिस्कस ऑल जॉइंट लाइफ नोटेशंस। राधिका दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डिस्कस ऑल, बट या वी कैन डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। आज तो नहीं होगा। तुम लोग एक काम कर सकते हो, पूरा राधिका तुम ही कर लो, पूरा एक लिस्ट बना लो, ठीक है, अगर तुम कर सकती हो, या फिर कोई भी कर सकते हैं जॉइंट लाइफ का लिस्ट। मैंने शायद पहले भी कितने बार बोला है कि कोई अगर भेज देगा आई विल डिस्कस, सारा एक लिस्ट मुझे भेज दो जॉइंट लाइफ का, आई विल डिस्कस। मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस कैन नॉट बी रिटन, नहीं लिख सकते यूजिंग वर्ड, उसके लिए तुम लोग को नोटेशन यूज करके नहीं लिख सकते, उसके लिए तुम लोग को इन वर्ड्स ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे तुम लोग क्या लिख सकते हो, तुम लोग ये कोई भेजा था ना, तुम लोग ब्रैकेट में लास्ट सर्वाइवर ब्रैकेट में जॉइंट लाइफ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ जैसे इसने भेजा रितम ने टर्म अश्योरेंस XYN, तो इसको फिर अगर ये लास्ट सर्वाइवर है जो भी, तुम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसके बाद कि वेदर इट इज जॉइंट लाइफ और वेदर इट इज लास्ट सर्वाइवर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जॉइंट लाइफ नोटेशन को ऐसे ही करना है, देर इज नो अदर वे, बिकॉज वो जो नोटेशन आएगा वो बहुत गंदा दिखेगा, जो कि समझ में नहीं आएगा। सो यू हैव टू राइट इट इन वर्ड्स, अदरवाइज ये स्मार्ट थोड़ा करना पड़ेगा, एंड ब्रैकेट में जॉइंट लाइफ ब्रैकेट में लास्ट सर्वाइवर लिखना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज यू कैन डू। लास्ट सर्वाइवर को सिंगल सिंगल जॉइंट तोड़ देंगे। हाँ वेरी गुड रितम, ये भी कर सकते हैं, बट आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू राइट इट इन वर्ड्स। वर्ड्स में लिख दो, समझा दो नोटेशन को क्या है। कैन टर्म अश्योरेंस बी रिटन एज? नो नो शरण्या, प्लीज डू नॉट आस्क दिस क्वेश्चन, बिकॉज ऑलरेडी नोटेशंस में दिया है। इफ यू सी दिस, आई डोंट नो व्हाई यू गाइस आर आस्किंग दिस क्वेश्चंस। द
the questions which are very very easy. यहाँ पे दिया हुआ है टर्म अश्योरेंस किधर दिया हुआ था ये तो रहा टर्म अश्योरेंस ठीक है सो इट्स गिवन कैसे लिखना है टर्म अश्योरेंस मैम यू मिस्ड माय टर्न में वापस रीसेंड कर दो प्लीज मैंने शायद नहीं देखा इफ वी कॉपी द कैलकुलेशंस टू एक्सेल एंड देन डोंट पेस्ट इट इन वर्ड एंड इंस्टेड टाइप इट No, then there is no violation unless you explain. So Tanmay is asking कि हम Excel में calculate करके paste नहीं करके उसको type कर दें word में Yes, you can do that. But make sure तुम उसको समझा रहे जैसे मैंने बोला ठीक है Tanmay कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है but make sure calculation नहीं है मतलब जैसा जो last step में calculation होता है ना जिसमें सिर्फ numbers रहते हैं उसको फिर सिर्फ टाइप कर सकते हो वर्ड में क्योंकि कैलकुलेटर से कम टाइम एक्सेल में लगेगा तुम लोग को तो वो चीज कर सकते हैं बट अगर तुम लोग उस चीज में कंफर्टेबल हो एक्सेल और वर्ड में कंफर्टेबल हो तुम लोग ने दो तीन पेपर प्रैक्टिस करा है तुम लोग कर सकता है बट जो जो मैंने वर्किंग्स बोला है दिखाने वो दिखाना पड़ेगा प्लीज कॉपी पेस्ट मत करो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्टिंग ट्राई मेकिंग द टेबल इन द वर्ड क्यों रिस्क ले थोड़े से चीज के लिए क्यों रिस्क ले राइट मतलब एक क्वेश्चन के लिए यू आर रिस्किंग योर एंटायर पेपर नहीं यश नहीं Chirayu, the X dies first or by dies second. So, हाँ हाँ Chirayu लिख सकते हैं very good Chirayu लिख सकते हैं मैंने discuss किया था ये भी I think एक class में पक्का discuss किया मैंने लिख सकते हैं most of the joint life equations ऐसे ही बना के करना पड़ेगा bracket में आके तुम लोग last survivor या joint life लिखोगे क्योंकि most of the notations नहीं उसके लिए equation editor का ही जरूरत पड़ेगा ठीक है तुम लोग को क्या करना है ना प्लीज मेक द ग्रुप अ मोर इंट्रैक्टिव तुम लोग उसमें नोटेशन भी भेजते रहो साथ ही साथ कि ना ये ऐसे तो उसको दूसरा बच्चा करेक्ट करते रहेगा सो अगर कोई पांच छह लोग एक ही चीज को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे सो देन आई कैन ऑल्सो करेक्ट कि नहीं ये सही है गलत है आकांक्षा पहले वाला सही है आई ए एक्स ठीक है आई ए एक्स सही है आई डब्ल्यू एल एक्स लिख सकते हैं बट नहीं आई ए एक्स बेटर है ठीक है जो देख के लगे ना कि हाँ ये बेटर है यार तो वही बेटर है ठीक है तुमको आई थिंक खुद को फर्स्ट वाला ऑप्शन बेटर लग रहा होगा कैन वी डिनोट द वैल्यूज टू सम वेरिएबल डू नॉट डू दैट नेवर हम लोग वर्ड में हम लोग जब लिखते हैं तो भी तभी भी वो चीज नहीं करते ठीक है वेदांत इज आस्किंग ए यू एक्स वाई फॉर बेनिफिट यस वेदांत यू कैन राइट Yes, Vedant, you can definitely write this, ठीक है Definitely. कुछ और आया है क्या इसमें ठीक है इसमें तो और कुछ नहीं आया सो आज का क्लास यही खत्म करते लेट अस नॉट एक्सपैंड और आज क्योंकि आज मुझे अभी और एक दो चीज लेना है सो वॉट वी कैन डू इज वी कैन कीप वन मोर क्लास मे बी इस वीक के एंड में तुम लोग का एग्जाम कब है एक बार तुम लोग मुझे याद दिला सकते हो फिर से कोई लिख सकते हैं 21st oh god तो हम लोग का थर्सडे को एक IFO के साथ वेबिनार है तो वो हम करके फ्राइडे को या मोस्ट प्रॉब्ली एक और क्लास वर्ल्ड का रखेंगे दैट विल बी द लास्ट एंड द फाइनल क्लास जहाँ पे मैं और फाइनल डाउट्स लूँगी जॉइंट लाइफ जैसे मैंने बोला तुम लोग अगर तुम लोग जिसको डाउट है राधिका या जिसको भी डाउट है तुम लोग एक काम करो तुम लोग लिखो सारा बगल में नोटेशन जो तुम लोग लिखना चाहते हो वो एक लिस्ट बना के रख लो ताकि अपने ऑन अ सेफ साइड तुम लोग जब एग्जाम में आए तो तुम लोग उसको फॉलो करो जहां तक के जितना वर्ड्स में लिख सकोगे बेटर रहेगा भी हम लोग को जरूरी है वो वेबिनार नहीं जरूरी नहीं है जिसने रजिस्टर किया वही कर सकते हैं आई हैव रजिस्टर्ड आई विल अटेंड दैट वेबिनार एंड जो भी इंफॉर्मेशन होगा आई विल कन्वे टू यू ऑल लास्ट क्वेश्चन मेल फीमेल एनुइटी डिनोट करने के लिए यस ऑब्वियसली वेदांत यू कैन डू दिस ठीक है कर सकते हैं तो बेसिकली जॉइंट लाइफ ऐसे ही करना है
बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे अभी किसी ने भेजा होल बार वो वाला, नहीं आएगा, बहुत अनलाइकली है. और आई मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन ही नहीं आएगा, आएगा बट दे विल नॉट आस्क यू टू राइट दैट क्वेश्चन. वो क्वेश्चन में दे दिया जाएगा वो नोटेशन, सो यू कैन राइट इन वर्ड्स कि वो नोटेशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तुम लोग पहले से बना के रखो एक लिस्ट, अगर कोई ये लिस्ट बना के शेयर करना चाहते हैं ग्रुप में वो कर दो, ताकि नेक्स्ट क्लास के लिए आई कैन जस्ट डिस्कस कि क्या सही है क्या गलत. ठीक है, आज बस इतना करते हैं, प्रैक्टिस करते रहो. एंड मैं एक वीडियो बनाऊंगी ऑन एग्जाम प्रोसीजर्स, तो वो तुम लोग देख लेना. एंड एक क्लास लेंगे, तो दो चीज और, बस दो तुम लोग को दिन और अटेंड करना है. ठीक है, ओके बाय. Thank you, Aditi.